पंचायत नसीरपुर में दिव्यांग दंपति दूसरे के मनरेगा कार्ड पर कर रहा मजबूरी में मजदूरी। ग्राम पंचायत नसीरपुर में एक दिव्यांग दंपति आर्थिक तंगी से जूझने के बावजूद मजबूरी वश दूसरे व्यक्ति के मनरेगा कार्ड पर मजदूरी कर रहा है। पीड़ित दंपति की माने तो उन्हें राशन की दुकान से खाने के लिए राशन तो जरूर मिल जाता है, लेकिन रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें दूसरे व्यक्ति के मनरेगा कार्ड पर मजदूरी करनी पड़ रही है। कई बार आवेदन करने के बाद भी उनका मनरेगा कार्ड नहीं बना। पति के इलाज के लिए पैसे नहीं है, पत्नी भी पैर में चोट लगने के कारण मजबूरी में मजदूरी कर रही है। ग्राम प्रधान की माने तो ये दंपत्ति बहुत गरीब है, गांव वाले इनकी समय समय पर मदद करते रहते हैं। सुषमा जी, आपको किस तरह की परेशानी चल रही है? जी 2 साल हो गए तो आदमी खाट पर बैठा जी, उसके बाद फिर मैं भी बैठ गई जी, और राशन तो हमें कोटे से मिल जा, खाने पीने का तो हमसे हो जा जी, और मैं कमा से उसमें वंदना काम कर रही हूँ उसमें रोजगार पे, और वो भी दूसरे के कार्ड पे, प्रधान को मैंने कागज दे रखे है जी, और दूसरे के ही कार्ड पे काम कर रही हूँ। जैसे आपके पैर में चोट लग रही है, टूट रही है पैर, आपका पैर टूट रहा है, आपको फिर भी जाना पड़ रहा है? हाँ जी जाना पड़ रहा है जी, जब पैसा नहीं है तो बताओ, ऑपरेशन बता रखा जी, कहाँ से करवाओ जब है नहीं जी, और मजबूरी में काम करना पड़ रहा जी। किसी तरह की कोई गांव में से मदद? जी कोई मदद नहीं है जी, ना गांव की ना कोई घर की, सब अपना आप ही कर रहे जी, किसी का भी कोई नहीं है, हमें सहारा नहीं है। ये जिस महिला के चोट लगी हुई है इनका किस तरह का मामला है? इस महिला जो चोट लगी है मजदूरी कर रही है, इसे हम अपनी तरफ से सहयोग करेंगे, उसका जॉब कार्ड बनने दे रखा है, आते ही जॉब कार्ड दे। प्रधान जी, इसकी शिकायत है बार बार कि मैंने, मुझे कोई सहायता या कोई कुछ नहीं मिला, क्या कारण है? नहीं सहायता तो मिल रही है ना, राशन मिल रहा है डीलर से, जो आ रहा है उसी